ने ली है नई गाड़ी, ये देखिए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है रक्षाबंधन का दूसरा दिन। तो आज जो है ये घर जाने वाला था, तो मैंने जो है रोक लिया और सुबह सुबह चल रहा है नाश्ता। क्या है ये? डोमिनो पिज्जा। पिज्जा डोमिनोज? तो गर्मी इतनी आज ज्यादा हो रही है, तो इसने ये खेलने के चक्कर में इधर देखो ये पंखा भी बंद करके रखा है। मैं पंखा चला रही हूँ, अंशु गर्मी लग रही है। ये चल गई। गुड। कहाँ कहाँ गिर रहा है रे हवा से? गिरा, गिर गया रे। अरे 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 ए ए ए ए ए ए रे, गुस्सा 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 गुस्सा। अरे 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 अरे, डॉक्टर साहब मुझे दे रहे हैं दवाई, तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। गाइस अभी फिलहाल थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं। तो वीडियो में बने रहना और देखते रहना। तो गाइज मनीषा यहाँ गई है फल लेने के लिए। ये यहाँ चौराहे पे दो फलों की दुकानें हैं दिनेशपुर में। तो फाइनली गाइज मनीषा ने ले लिया फल। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं और ये देखो बेल्ट बेल्ट लगा के बहुत बड़ा क्या हो गया। तो गाइस इसी वजह से जो है हमें आना पड़ा, और खुशी की भी बात है और थोड़ी सी दुख की भी बात है कि इसका जो है एकदम अचानक से बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। और सबीर ने ली है नई गाड़ी, ये देखिए। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये देखो कौन सी है ये गाड़ी, है कौन सी गाड़ी है ये? हुंडे की बर्ना। क्या जब ना अच्छी लग रही है क्या? ये कह रहा हुंडे का बर्तन ना गुंडई हुंडई। तो ये जो है रुकेगा नहीं, कल जो है इसकी ड्यूटी है। तो जा फिर टाइम से चला जा। अरे थोड़ी जा ड्यूटी शोकाल बोला है।
रात के खाने में हमारा है ये देसी चिकन और साथ में है चावल। तो जल्दी से फिलहाल अभी खाना खाते हैं। खाना वाना हो गया है कंप्लीट और थोड़ा सा खाना ज़्यादा ही हैवी हो गया है रात को, तो अभी फिर थोड़ी देर बाहर हम लोग टहलते हैं। जाओगे नहीं क्या? तो मैं आप लोगों को जो है रात को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो गाइस रात को जो है नज़ारा क्या ही दिखाऊँ, पर चारों तरफ खेती खेते, हवा अच्छी चल रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। फिलहाल थोड़ी देर टहलते हैं। कैसा लग रहा है? ये रोड है ये पूरी। चलो थोड़ी देर टहलते हैं। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो रात को टहल के आने के बाद हम जो है लेट गए थे और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सुबह सुबह कितनी तेज धूप निकली है। ये देखो कुछ दिन बारिश था तो सही था और एकदम से मौसम इतना गर्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छे गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है? फिलहाल फ्रेश वगैरह होते हैं और नाश्ता वाश्ता करते हैं और देखते हैं कहाँ निकलना होता है शाम तक। दोपहर का खाना वाना हो गया है कंप्लीट और गर्मी जो है आज बहुत ही ज़्यादा है, धूप अभी भी कम नहीं हुई। तो अभी जो है थोड़ा सा उसकी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा फील करते हैं कैसा क्या है अंदर से। क्या कहाँ चल रहा है? बहुत गर्मी ना यार, बैठ के तो अच्छा लग रहा है। अच्छा सीट भी एकदम कंफर्टेबल है। एक चाबी तो है ना, अगर फोल्डिंग सीट होती तो मजा आ जाता यार। एसी वैसी चलाओ भैया और बैठा मजा आ रहा। चल भी ऐसे चला। अरे गाना चला दिया इन्होंने, वो आ जाएगा। क्या आ जाता है? ना ना म्यूजिक पे कुछ ना आता है। लॉन्ग ड्राइव। तो हम लोग जो है एक्सपीरियंस लेने आए थे गाड़ी के अंदर बैठने का, बहुत बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिल गया है। बहुत तेल निकल रहा है तो अभी भैया मुझसे नहीं हो रहा, हम निकल रहे हैं। निकलो अंशु, गर्म हवा दे रहा है, मुझे लग रहा है गर्म हवा का चल। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। उधर तो गाइस इधर जो है सुबह और शाम को जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, शाम को हवा हवा चलती तो अच्छा लगता है सुबह के टाइम। पर भैया जैसे ही सुबह का टाइम निकल गया 8-9 बजे से इतनी भयंकर गर्मी चालू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है बहुत। पर यह है गर्मी है तो क्या, वहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा है। देखो एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली, भीड़ भाड़ से पोल्यूशन से दूर एकदम बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर आज जो है मेरा रुकने का मन है, मन इसलिए है क्योंकि शाम के टाइम जो है यहाँ का मार्केट वगैरह लगता है, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, खाने का भी बहुत सारा आइटम रहता है, अपने शहर से थोड़ा सा हट के आइटम रहता है सारा, पर एकदम बढ़िया रहता है। पर मैं मेरा जाने का मन नहीं है, पर इनसे जो है गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ये जो है घर जाने के लिए बोल रहे, तो देखते हैं शाम तक क्या रहता है। जो भी रहेगा गाइस मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी और आप लोग देखते रहना। तो गाइस शाम का प्रोग्राम जो है फ्लॉप हो गया, कहीं आना जाना हुआ ना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और तबीयत भी इतनी सही नहीं लग रही, इसीलिए जो है शाम को हम लोग जो है घर ही निकल जाएंगे। और अभी शाम के कम से कम 6:30 बज गए और अभी भी देखो गर्मी इतनी हो रही है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं और तुम जल्दी से ठीक ठाक हो जाओ फिर आओ। मैं तो कह रही हूँ हमारे साथ चल लो क्योंकि अभी तो घर में ही है, रेस्ट ही रेस्ट है। और अपनी भी गाड़ी वाड़ी ले ली, आराम से गाड़ी में बैठ के जाते, मुझे भी ले जाते। और अभी जो है मुझे बाइक से निकलना है। वर्षा तुम चलोगी? सुलभा सुलभा ना, जो भी हमारा सामान है इन्होंने बांध लिया पीछे और अभी निकलते हैं।
बाइक से यार बड़ी दिक्कत होती है सफर में, बैग बैग ऐसे। हम कब लेंगे गाड़ी पता नहीं, कब लोगे? तो बस यार एक गाड़ी हो जाए। चलो फिलहाल निकलते हैं अभी, बाय। आना हाँ, बाय बाय। अभी बाइक पे बैठ के तब जाके थोड़ी बहुत हवा लग रही है ना। अच्छा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? घर जाएंगे तो रोड से घूमते घूमते जाएंगे है ना, कितनी जगह घूमते भी जाएंगे। वो कब घूमना हुआ क्या? कल सुबह स्कूल घुमाने लेके चलेंगे तुझे, ट्यूशन और शाम को ट्यूशन घुमाएंगे। तो फिलहाल अभी घर जाके ही मिलते हैं। चलो और रोड पे जो भी अच्छा व्यू वगैरह दिखेगा तो मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और दोपहर को जो है ठीक से खाना भी नहीं खाया था। गर्मी में जो है खाना बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है, बस पानी ही पी जा रहा है पूरे दिन। तो मेरा मन कर रहा था कुछ ठंडा पीने का, तो आ गई हमारी लस्सी। कुछ और लोगे? गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर और आते आते जो है मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश भी पड़ी और हम लोग जो है ठीक ठाक पहुंच गए। और हम लोग जैसे आए थोड़ी देर बाद जो है विशाल भी आया है प्रीति को लेने के लिए। और मम्मी ने देखते हैं रात के खाने मम्मी ने क्या क्या बना के रखा है। रात को बनाया है चावल और साथ में है ये क्या है, साथ में है ये मटर पनीर, आलू भी डाल रखा है। तो जल्दी से फिलहाल भी खाना निपटाते हैं। आ जाओ गाइस खाना खाने। आई शाबाश। तो गाइस खाना बना हो गया है कंप्लीट और कहीं से और काम इतना फैल जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा कितना कमेंट में जरूर बताना। और गाइस वीडियो कैसा था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो। Thank you.